नमस्कार दोस्तों, हम लोगों का प्रश्न है 267 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम 267 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और आप लोगों को बतलाते हैं कि 267 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से कटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हम देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगी। तो 2 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या की इकाई के अंक यदि सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए, यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 7 है और 7 एक विषम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए, इस 2 में इस 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, और 8 में इस 7 को जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो 15 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है, इसलिए 267 जो यह संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 3 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो पहले 26 है, तो दोस्तों 3 के पहाड़ा में 26 तो नहीं आता है लेकिन 24 आता है। तो दोस्तों यह 26 जो है यह 24 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 26 में से इधर 2 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 26 था लेकिन जब 26 में से इधर 2 चला गया तो यहाँ पर कितना हो गया, 24 में हो गया। तो यह 24 इस 3 से 8 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 आठ 24 होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए इस 7 के आगे आकर 2 लग गया है, तो 2 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यह 27 भी इस 3 से 9 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 आठ 27 होता है। यहाँ पर दोस्तों 89 आ गया, तो 89 तो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 89 को 89 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 267 बराबर, देखिए दोस्तों 267 जो यह संख्या है एक बार 3 से कटा है और एक बार 89 से कटा है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 3 × 89। तो दोस्तों जो यह आ गया ना 3 × 89, यही क्या हो गया, इस 267 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 267 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है।